बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। जा रहे हैं, खुश रहें, बात रहे, खाते पीते रहें, ऐश करते रहें। तो जनाब हमारा ब्लॉग शुरू हो चुका है और अभी मैं नहा के निकली और रात को लगा लिया था मैंने तेल। और फिर मैंने कहा फिर जो ना सारी रात ना तेल लगा रहे ना सर में, वैसे तो 2 घंटे बहुत होते हैं सर पे तेल लगाने के लिए, लेकिन मैंने कहा फिर ना बाल मेरे ना थोड़े से ना वो हो रहे थे खुश्क, जैसे खुश्की खुश्क नहीं होता ऐसे हो रहा था। मौसम तो हो गया है गरम, लेकिन बाल मेरे बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे थे। तो फिर तेल लगाया अच्छी तरह से, जो ना बहुत सारा तेल लगा लिया था सर में। यहाँ पर बहुत सारे जो कपड़े थे जो मैंने कल धोए थे ना, अभी मैंने लेकर आई हूँ और यहाँ पर रखे हैं। लाइबा आमना बैठेंगी दोनों, हमने कपड़े तय करके अलमारी में रख देंगे, ठीक है ना। ये देखें कितने सारे कपड़े पड़े हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो मेरा बाथरूम था ये मैं उठा लेती हूँ, इसलिए ना ये हो गया है गीला, तो इसको उठा के यहाँ टांग देते हैं और ये फिर सूख जाएगा ना। यहाँ पर टांग देते हैं इसे दरवाजे पे। और मेरे जो बाल हैं ये भी मैंने जो ना सुखाने हैं अपने बाल। फैन नहीं मैंने ऑन किया, और क्यों नहीं किया इसलिए कि अगर फैन ऑन कर दूंगी तो फिर ये ना हो ना मेरी कमर में दर्द हो जाता है। अक्सर ये होता है कि हवा लग जाती है तो कमर में हो जाता है मेरा दर्द। और जी आपने मेरी वीडियो अगर लाइक नहीं की तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बटन दिए बेल को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि जो मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिले, ठीक है जी। तो अभी मैं आप लोगों से बहुत सारी चीज़ें थी जो शेयर करनी थी, ठीक है, वो शेयर करूँगी आप लोगों से। और सुबह उठते के साथ ही मैंने जो ना अपना घर का काम जिस तरह मैं करती हूँ वो सारा कर लिया है मैंने। और अभी जो है अन्ना ने किया नाश्ता और लाइबा से पूछते हैं कि लाइबा ने क्या नाश्ता करना है। अभी कर लेंगे बच्चे भी नाश्ता, और मैं तो सुबह ही जल्दी उठ गई और नाश्ता मैंने कर लिया है। और अभी जो टाइम हो रहा है वो है 10:30, और ये सब चीज़ें थी अभी नाश्ता। मैं नहा के निकली हूँ और गीले हो रहे हैं मेरे बाल, और अभी जो है कबूतरों को डालूंगी मैं। अभी कुछ भी नहीं था घर पर, कुछ पकाया नहीं था मैंने, कुछ था नहीं तो डब रोटी है, तो ये डाल दूँगी इसके अंदर ताकि ये आके खा लें, ठीक है ना, क्योंकि अभी टाइम इतना हो रहा है। बज रहे हैं जी 1:30 बज चुका है, लेकिन खाना अभी मैंने पकाया नहीं है, सभी मैं पकाऊंगी खाना। तो मैंने कहा चलो इसको जो ना कबूतरों को फ़िलहाल तो डाल दूँ ना, ताकि ये आके, छोड़ दिया मैंने यहाँ पर, और पानी भी डाल देती हूँ ताकि ये लोग जो ना पी लें। चलो क्योंकि अभी ये लोग आएंगे, हाय हाय मेरे गीले हो रहे हैं ना बाल, सारे मुंह पर आ रहे हैं। चलो जी इनका तो खाना हो गया मुकम्मल, आके खा लेंगे ये। मैंने बनाया अपने लिए जूस, इसलिए कि मुझे गर्मी लग रही थी और ब्लड प्रेशर थोड़ा सा मेरा हो रहा है लो, तो मैंने कहा और ना कुछ ज़्यादा ही हो जाए तो यहाँ रख दूँ। कपड़े देखो इतने सारे जो कपड़े धोए थे, तो ये कपड़े थे सारे। अभी दोनों बहनों को बोलूँगी मैं कि ना उठ के ना, अभी तो उठ गई हैं ये लोग, तो अभी ना सारे कपड़े तय करेंगी, और उससे पहले मैं पी लूँगी जूस, इसलिए कि ब्लड प्रेशर और कहीं जाके। अच्छा ये है जी ठंडा ठंडा कूल कूल। अच्छा तो ये है जी इसका क्या कहते हैं अनानास, उसका है, मुझे ये फ्लेवर बहुत पसंद है। तो रमज़ान में भी मैं लेकर आई हूँ सब चीज़ें, तो आप लोगों से शेयर करूँगी, दिखाऊँगी आप लोगों को। थोड़ी बहुत चीज़ें लेकर आ गई हूँ और आस्ता आस्ता करके लेकर आते रहेंगे चीज़ें, क्योंकि एकदम से लेकर नहीं आ सकती, जितनी मेरी सैलरी होती है वैसे ही सब चीज़ें घर में आती हैं, ठीक है। जब तक मैं जूस पी लेती हूँ, तो आप भी अगर आपका जब ब्लड प्रेशर लो हो तो ठंडा ठंडा कूल कूल पिए जूस। लाइबा के लिए गर्म कर रही हूँ मैं रोटी, तंदूर की थी ना ये, तो अभी जो सालन था और रात को जो बचा हुआ था इतना सारा, तो ये अभी मैं गर्म करूँगी इसको, तो ये खाएगी है। मैंने कहा चलो रात का पूरा कुछ बना लूँगी, बनाऊँगी तो रोटियाँ बना लेती हैं, गर्म हो रही है रोटी, कितनी अच्छी लगती ना ऐसी रोटी, मेरी अम्मा बना के दिया करती थी ऐसी, तो मैं ना सेक के ना चाय के साथ खाती थी, ये देखिए अच्छी लगती, ये देखें मज़े की लग रही है ना। अभी बस अभी मैं ना तवे को उतार के, और अभी सालन जो है यार दुख उसको, तो बिस्मिल्लाह सालन गर्म करके, और ये अभी लंच करेगी,
खाना खाना है, फिर इससे जाना है ट्यूशन। बस अभी मैं भी निकल जाऊंगी, पेट आ गई। देखिए सिंक कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर, ये जो क्या कहते हैं इसको रैक जो मैं लेकर आई थी, प्लेटें वगैरह सारी यहाँ रखी गई थी। अच्छा ये काली प्लेटें भी जो मैं लेकर आई थी ना, ये मैं लेकर आई थी ग्रीन प्लाजा से, पिछले साल मैंने ली थी, तो ये लेकर आई थी मैं और बहुत अच्छी सबको बहुत पसंद आई। तो ये देखो कितनी अच्छी लगती है ना, सजी भी बहुत प्यारी लगती है। इसमें ना कोई सालन वगैरह डालो ना या चावल वगैरह, उसमें ना बहुत अच्छी लगती है। अभी भी सेल लगी हुई है, आप चाहें तो लेकर आ सकते हैं। यहाँ पर सालन गर्म हो रहा है, कहाँ गया चम्मच, ये रहा आ गया। बस ये सालन गर्म कर लेती हूँ। अभी था ना रात को खाया बच्चों ने, लेकिन मेरा इतना सारा बच गया था खाने का, चलो अभी ये खा लें लंच पे, और रात को फिर देखते हैं हम क्या बनाते हैं। पता नहीं होगा कि पुलाव बनेगा या फिर सालन, अभी तो नहीं बनाऊंगी, पुलाव ही बनाऊंगी या फिर चावल। चावल के साथ क्या बनेगा सालन, वो हो सकता है या फिर पुलाव, देखते हैं क्या बनता है। वो बैठिए, आपको की तबीयत अल्लाह का शुक्र है बेहतर है तो काफ़ी। और मेरा बोबो ऐसे करके, ऐसे करके। अब यहाँ पर नाश्ता तैयार हो रहा है बच्चों के लिए। अब इनकी फरमाइश थी कि मुझे जो ना डब रोटी सेक के दो, अभी चाय भी बनाऊंगी, तो बस ये ना नाश्ता तैयार हो रहा है इनका। मैं नहाई भी हूँ, अभी नहा के जो निकली हूँ, और अभी और भी बहुत कुछ है व्लॉग में, ठीक है। तो फिलहाल तो बच्चों के लिए बना रही हूँ नाश्ता और सेक रही हूँ डबल रोटी। कभी कभी बच्चे ना ऐसे ही है ना, डबल रोटी बड़े शौक से खाते हैं। अंडा मेरे घर में जो ना बहुत कम खाया जाता है, ज़्यादा बच्चे खाते नहीं हैं, इनको ना खाने में ना हीक आती है। पता नहीं क्यों, मुझे तो अंडा बहुत पसंद है, लेकिन आमना जो है वो अंडा पसंद नहीं करती, वो कहती है मुझे ना अंडा नहीं पसंद। तो इसके लिए जो ना ये मक्खन हो गया था ख़त्म, लेकिन मैंने कहा अंडा खा लो, तो वो कहने लगी नहीं अंडा नहीं खाना है मुझे, आप ना रोटी सेक के दे दो। तो यहाँ पर रोटी सेक ली है, ठीक है, ये देखें सिक गई रोटी, थोड़ा सा इसमें मैंने ऑयल डाल दिया था। चले जी आप बनाते हैं चाय। क्या है आमना के लिए नाश्ता, और इसमें है जी चीनी, ये देखें कितना प्यारा है ना ये बॉल, मुझे बहुत पसंद है ये। मैं ना गुल प्लाजा से लेकर आई थी ये ना, मैंने लिया था सेल में से, ठीक है। नाश्ता हो गया रेडी, चले जी आमना के लिए नाश्ता, और इसको देने चलते हैं रूम में।